today's lecture, we will discuss about the some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. सबसे पहले हम लोग explain करने जा रहे हैं carbon compound में ethanol, ठीक है, उसकी properties, उसके reactions के बारे में बात करेंगे. Ethanol basically हमारे पास होता है जी alcohol होता है. आपको जैसे अल्कोहल होता है, जैसे कि आपको पहले बता दिया था, इसका जो जनरल फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं इथेनॉल की, तो इथेनॉल में दो कार्बन ग्रुप्स होंगे, CH3 CH2 OH, ये इसका जनरल फार्मूला होता है. अगर हम बात करते हैं मीथेनॉल की, तो मीथेनॉल का जनरल फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है. तो इथेनॉल की बात करते हैं CH3CH2OH या फिर C2H5OH भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. C2H5OH इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक, इथेनॉल का. अब इथेनॉल की बात करते हैं कि इथेनॉल हमारे पास यूज क्या है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है. तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है, तो इथेनॉल की दर्शाते हैं. इथेनॉल जो होता है वो लूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. जनरली हम इसको अल्कोहल का नाम भी देते हैं. और यूज कहाँ पर होता है, यूज होता है डिफरेंट अदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में. एज अ सिरप के तौर पे हम लोग इसको, सिरप्स को की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं इसको, ठीक है. और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन के तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं. लेकिन अगर हम लोग इसको प्योर फॉर्म में इनहेल कर दें, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट काज करेगा हमारी हेल्थ पे, ठीक है. तो जैसे कि हमारे पास हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा इसके लेने की वजह से. तो मेडिसिन में कफ सिरप के तौर पे यूज होता है. और इसका जो एग्जिस्टेंस की देखें, तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर. तो हमारे पास है जो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में, हमारी ये हेल्थ को किस तरह से डैमेज करता है अगर हम लोग इसको प्योर फॉर्म में लेते हैं और ली लेते हैं इसको. तो क्या होता है, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम, इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस कॉज इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, डाउजनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिटर्स एंड फाइनल स्टूपर. यानी कि ये हमारे पास जो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये डिफरेंट ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है. डिफरेंट ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जाता है. वैसे हम लोग इसको सॉल्वेंट भी कहते हैं, ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है. इसमें हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट को, ठीक है. तो जैसे हम लोग इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज अ सिरप के तौर पे भी यूज करते हैं, जैसे कफ सिरप के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है. और इसके अलावा और सिरप होते हैं, टोन्स भी होते हैं, डिफरेंट टोन्स भी होते हैं, उसको उसमें भी हम लोग यूज करते हैं. आगे आ जाता है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद सोडियम. तो सोडियम का जब हम लोग रिएक्शन इथेनॉल के साथ करते हैं, CH3CH2OH के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और सोडियम के दो एटम्स ले लेते हैं. जब एक कॉक्स में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास ये एक साल्ट बन जाता है, ठीक है. इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाती है. अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हम लोग अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन का, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, ठीक है. मतलब वाटर की डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराते हैं. डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर को निकालते हैं अल्कोहल में से, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं अल्कोहल में से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3CH2OH है, तो यहाँ पे हमारे पास एक H2O का पूरा मॉलिक्यूल निकालो, तो पीछे हमारे पास CH2CH2 बच जाएगा, जो कि है हमारे पास इथेन. लेकिन ये रिएक्शन होगा किस पे, हॉट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा. अब हमारे पास आगे आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड. तो इथेनॉइक एसिड, पहले हम लोगों ने इथेनॉल की बात की, अब इथेनॉइक एसिड की बात करते हैं, ठीक है. तो हमारे पास इसका जो फंक्शनल ग्रुप, इथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिडिक एसिड भी कहते हैं. और इसका जो इथेनॉइक ओइक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, वो होता है C डबल बॉन्ड या फिर COOH. ये हमारे पास
किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन में किसी चीज में से कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया और उसको हम लोगों ने ट्रू कार्बोनेट वाला मॉलिक्यूल ले लिया और उसका नाम दे दिया इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CCH3COOH। ठीक है, ये COOH, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। और इसको अगर हम बोलते हैं कि इसको एसिटिक एसिड का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके जनरल नेम जो है कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड, जो कि विनीगर्स में मौजूद होते हैं, लेकिन कितने परसेंट मौजूद होते हैं, 5-8% मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड किसमें अगर वाटर में डाल दिए तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा और इस सोल्यूशन को विनीगर का नाम देते हैं। एंड इट इज यूज वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार प्रिजर्वेशन को उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हमारे पास विनीगर यूज होता है। इस विनीगर में हमारे पास एसिडिक एसिड कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 5-8% प्रेजेंट होता है। अगर 5-8% एसिडिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर लो तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा और इस सोल्यूशन को हम लोग किसका नाम देते हैं, विनीगर का नाम देते हैं। ये विनीगर यूज होता है कहाँ पे, आयल की अचार की पिकल्स की प्रिजर्वेशन के तौर पर यूज होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट यूज किया जाता है। तो आगे आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के रिएक्शन के बाद हैं जो सबसे पहले एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हमें ये कहता है कि एस्टर्स आर मोस्टली कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज इन द मार्केटिंग परफ्यूम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, अगर आप देखें ये हमारे पास CH3COOH इथेनोइक एसिड है या फिर एसिडिक एसिड है, जब ये रिएक्शन करेगा CH3COOH अल्कोहल या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्शन शो करेगा, और किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे ये एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इनहांस कर देती है या फिर रिएक्शन की स्पीड को कम कर देती है। तो इस तरह के जो कैटलिस्ट सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं तो वो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और स्पीड स्लो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया तो ये हमारे पास एक न्यू कंपाउंड देगा। ठीक है, हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को हम लोग ईस्टर का नाम देते हैं। तो ईस्टर का फार्मूला होता है CH3COOH CH2CH3। ठीक है, तो ये इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये CH3COOH। ठीक है, तो ये ईस्टर का हमारे पास जनरल फार्मूला है या फिर फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है और साथ में वाटर की रिमूवल हो जाती है। अब हम बात करते हैं पिछले रिएक्शन को कि अल्कोहल जब हमारे पास इथेनॉल जब हमारे पास इथेनोइक एसिड या फिर एसिडिक एसिड किया था तो हमारे पास ईस्टर वहां पे बना था। अब ईस्टर की बात करते हैं कि अगर ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली ईस्टर इज कन्वर्ट बैक टू अल्कोहल। ठीक है, जब ईस्टर को ही, ठीक है, जो न्यू कंपाउंड बना था जिसका फंक्शन ग्रुप था CH3COOH। ठीक है, तो ये जो ईस्टर है दोबारा से जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के हमारे पास एक अल्कली है। ठीक है, अल्कली क्या है, बेस है हमारे पास, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम लोग अल्कली का नाम देते हैं। तो इसमें इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोबारा से हमें अल्कोहल देता है और साथ में साल्ट देता है जिसको हम लोग सोडियम साल्ट का नाम देते हैं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उस सोडियम, अब देखिए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ले लिए और उसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम एसिडेट या फिर इसको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। This reaction is known as spontification, और इस तरह का रिएक्शन जो होता है वो spontification होता है। अब ये रिएक्शन का यूज किधर होता है, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तौर पर इस तरह का रिएक्शन यूज होता है कि पहले हम लोग अल्कोहल और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके रिजल्ट में ईस्टर बन जाता है, और ये ईस्टर जब अल्कली के साथ या फिर NaOH के साथ रिएक्शन शो करता है तो वो हमें क्या देता है, सोडियम साल्ट देता है जिसको हम लोग एसिटेट कहते हैं, सोडियम एसिटेट का नाम देते हैं। और ये हमारे पास इस तरह के प्रोसेस को स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। स्पॉनिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो सोप बनाने के
के मेथड में यूज किया जाता है, प्रिपरेशन के मेथड में यूज किया जाता है. सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट अलॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, हमारे पास सोप जो होते हैं वो लॉन्ग सोप के साथ एक तो आयन्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम आयन मौजूद होते हैं, और उसके साथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड चेन होती है उसके पीछे. अब हम बात करते हैं कि इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, रिएक्शन विद बेस. जब NaOH का रिएक्शन कराते हैं इथेनोइक एसिड के साथ या फिर एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें साल्ट की फॉर्मेशन करता है. तो ये हमारे पास क्या है, साल्ट. लेकिन कौन सा साल्ट है, सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट ये हमारे पास सोडियम एसीटेट का साल्ट दे देता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाता है. अब क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. जब ये इथेनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करेगा कार्बोनेट्स के साथ, Na2CO3 के साथ या फिर NaHCO3. सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वाशिंग सोडा का नाम देते हैं, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग नाम देते हैं इसका बेकिंग सोडा. तो जब ये कार्बोनेट्स का रिएक्शन शो करेगा तो ये हमारे पास क्या देगा, CH3CW Na ये देगा, क्योंकि ये भी साल्ट है हमारे पास, ये साल्ट है सोडियम एसीटेट. और ये हमारे पास क्या है, जब ये बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन करेगा तब भी ये हमें कौन सा साल्ट प्रोवाइड करेगा, सोडियम एसीटेट साल्ट प्रोवाइड करेगा. और ये सोडियम से इस तरह के रिएक्शन को हम लोग स्पंजिफिकेशन का नाम देते हैं. ये सोप बनाने की इंडस्ट्रीज में एज अ इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज किया जाता है, और साथ में इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल. इधर भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाता है.